से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का रायता। यहाँ पे मैंने दो बैंगन ले लिए हैं और अब हम यहाँ पे इस साइज़ का हमने बैंगन लिया है, इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है और इसको हम गोल गोल पतले स्लाइस में काट लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है बैंगन को। अब हम इसको सेकेंगे तवे पे या किसी पे, नॉन स्टिक पे, आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो उसी पे सेकेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, पहले ग्रीस करेंगे अच्छे से ताकि हमारे बैंगन चिपके ना। गैस को एकदम मीडियम रखेंगे पहले। इससे बैंगन पकड़ते नहीं है और जलते नहीं है। हो गया, गरम हो गया है। अब हम इस पे बैंगन के स्लाइस रखेंगे। बस हल्का सा हमारा ब्राउननेस आ जाए, कलर नीचे से सीख जाए, एक बार हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। एक बार और ये बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। सॉल्ट डालेंगे ताकि ये जल्दी गल जाए सब पे। गैस की इस फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, मीडियम टू स्लो, बहुत हाई नहीं रखनी है। ये देखिए हम एक साइड से मेरा हो गया होगा, ये देखिए हम इसको पलट लेंगे, एक एक करके सारे हम पलट लेंगे। अगर मेरा हो गया होगा तो बैगन बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे ही हम सारे पलट लेंगे, पलट लेंगे। ये देखिए हमारे बैगन अच्छे से सिक गए हैं, दोनों साइड से रेड्स हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं काफ़ी। ऐसे ही हमें बैगन के स्लाइस को ही दोनों तरफ से सेक के, सॉल्ट आपको दोनों तरफ से हल्के हल्के डालने हैं चुटकी भर, इससे जल्दी सेक जाते हैं और इजी भी रहता है। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए यहाँ पे मेरे बैगन के स्लाइस अच्छे से हो गए हैं, मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसको तुरंत दही में मैं नहीं डालूँगी तो दही इससे फट जाएगी। अब हम प्याज काट लेते हैं महीन बारीक। बाउल में एक से डेढ़ कप दही ले लिया है अच्छे से, और इसको अच्छे से मैंने फेंट भी लिया है। ये देखिए एक भी वो नहीं है लम्स। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अनियन। मैंने यहाँ पे बारीक महीन प्याज काट ली है, इसको मैं ऐड करूँगी। एक मीडियम प्याज थी मेरी। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जीरा पाउडर एक से। हाफ टी स्पून है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप कम ज़्यादा खाते हैं। अब हम यहाँ पे बैंगन के स्लाइस जो तवे पे इसको सेके थे वो डालेंगे एक एक करके। ये खाने में बहुत ही अलग टेस्ट आता है, अब एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, हटके होता है और काफ़ी मज़ा आती है इसको खाने में। अब यहाँ थोड़ी सी धनिया मैंने बारीक काट ली थी, उससे हम सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे। ये बिल्कुल मेरा बन के रेडी है बैंगन का रायता। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर से मिलते हैं अगले नए डिश के साथ। थैंक यू सो मच।